टीम इंडिया में आया नया फिटनेस किंग, जिसने फिटनेस के मामले में किंग कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। वो सिर्फ कोहली की तरह रन ही नहीं बनाता है, बल्कि विराट की तरह फिट भी रहता है, इसलिए तो उसे प्रिंस कहते हैं। अगर आपको भी ये लगता है कि विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे फिट खिलाड़ी हैं, तो ठहरिए, शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब टीम इंडिया में नया फिटनेस किंग आ चुका है। जी, एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले बेंगलुरु के अलूर में हो रहे भारतीय टीम के कंडीशनिंग कैंप में टीम इंडिया के एक युवा खिलाड़ी ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आखिर वो खिलाड़ी कौन है जिन्होंने फिटनेस किंग विराट कोहली को भी पछाड़कर टीम इंडिया का सबसे फिट खिलाड़ी बन गया है? तो आइए आज आपको इस वीडियो में उस खिलाड़ी के बारे में बताते हैं। वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि शुभमन गिल है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 23 साल के शुभमन ने यो-यो टेस्ट में 18.7 का स्कोर निकाला है, जबकि विराट कोहली का स्कोर 17.2 ही था। वैसे तो बीसीसीआई ने यो-यो टेस्ट का स्कोर सार्वजनिक करने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन पीटीआई के अंदरूनी सूत्रों से ये खबर मिली है। बीसीसीआई ने यो-यो टेस्ट में शामिल सभी क्रिकेटर्स के लिए कट ऑफ स्कोर 16.5 रखा था, जिसे सभी भारतीय खिलाड़ियों ने पार कर लिया है। बीसीसीआई ने एक सूत्र के नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया कि फिलहाल गिल का उच्चतम स्कोर 18.7 है। अधिकांश खिलाड़ियों ने 16.5 और 18 के बीच स्कोर कर लिया है। आपको बता दें कि जब 6 साल पहले तत्कालीन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच शंकर बासु के कार्यकाल में यो-यो टेस्ट शुरू किया गया था, तो कट ऑफ मार्क 16.1 था, लेकिन तब से मार्कर को अपग्रेड कर दिया गया है और अब यह 16.5 है। आजकल ज्यादातर युवा भारतीय खिलाड़ी फिटनेस के मामले में फिट हैं, जिसका श्रेय विराट कोहली को दिया जाता है, लेकिन शुभमन गिल ने 18.7 का स्कोर कर इस मामले में विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन आखिर कैसे, आइए हम आपको बताते हैं उनकी फिटनेस का राज। शुभमन गिल लगातार रनिंग करते हैं, इससे स्टेमिना बढ़ता है और साथ ही बॉडी वेट भी मेंटेन होता है। शुभमन गिल की डाइट काफी जबरदस्त है, वो फल, उबले हुए अंडे, दाल और मल्टीग्रेन रोटी खाते हैं। गिल ज्यादातर तेल वाले खाने से दूर रहते हैं। 23 साल के शुभमन गिल लगातार जिम में जाते हैं, वो अपने जिम सेशन को काफी गंभीरता से लेते हैं। गिल जिम में मसल बनाने के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी पर भी काम करते हैं। शुभमन गिल ओलंपिक वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, जो कि वेट ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है। इससे बॉडी को काफी स्ट्रेंथ मिलती है। शुभमन गिल अपनी बैक को मजबूत करने के लिए वार्बल बैक स्क्वाट करते हैं। इसमें लोअर बैक, ग्लूटस और हैमस्ट्रिंग का प्रयोग होता है। क्वाड्स और कोर भी इसमें शामिल होते हैं। यही कारण है कि उन्होंने यो-यो टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ये यो-यो टेस्ट है क्या? तो आपको बता दें, यो-यो टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ दूसरे खेलों में भी इस्तेमाल होने वाला एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, जिससे खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता का अंदाजा लगता है। यो-यो टेस्ट के दौरान खिलाड़ियों को सर्कुलर रनिंग करनी होती है। इसमें खिलाड़ियों को एक स्पेशल डिजाइन किए गए ट्रैक पर दौड़ना होता है, जिसमें एक मुख्य रनिंग लाइन और दो साइड लाइन होती है। यो-यो टेस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसकी कठिनाइयां बढ़ती जाती है, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इत्यादि। हर एक लेवल पर खिलाड़ियों को दिए गए तय समय पर दौड़ना होता है। बीप की आवाज के साथ खिलाड़ी साइड लाइन की ओर से दौड़कर वापस आते हैं। डेनमार्क के फुटबॉल फिजियोलॉजिस्ट जेंस वेंगसबोर्ग को यो-यो टेस्ट का जनक माना जाता है। ये टेस्ट सबसे पहले फुटबॉल में लागू किया गया था, इसके बाद धीरे धीरे दूसरे खेलों में भी आया। क्रिकेट में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने इसे अपनाया था। इस टेस्ट का मकसद ही यही है कि खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल को खेल के मुताबिक शानदार बनाए रखा जाए, ताकि फिटनेस और गेम का स्तर कभी कम न हो।